248 में एकेडमिक्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज हासिल करने वाले रिक्रूट अदनान फकीर, रिक्रूट कोर्स 258 की कमांडेंट स्टेक हासिल करने वाले बेहतरीन रिक्रूट रिक्रूट रिजवान इम्तियाज। Sir. अब मैं आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर डीएससी कोर मेजर जनरल मोहम्मद तैयब आजम हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से दरख्वास्त करता हूं कि वो परेड की शुरुआत में खिताब फरमाएं। आज का दिन हम सब के लिए अहमियत का हामिल है
क्योंकि आज आप इब्तदाई तस्वीरी तरबियत का कठिन मरहला अपनी अनथक मेहनत तनदेही और लगन से मुकम्मल कर चुके हैं। आज की ये कामयाबी रब्बुल इज्जत का करम, आपके साथीदार की शब रोज मेहनत और आपके वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। आप सबके पुरअज़म चेहरे और बाएतमाद अंदाज ना सिर्फ आपकी पेशावराना तरबियत के आला मयार की अक्कासी करते हैं बल्कि आपके रोशन मुस्तकबिल की दलील है। डीएसजी को पाक फौज में खास अहमियत की हामिल है, जो पाकिस्तान की जंग लड़ने और जंग को बरकरार रखने वाली सलाहियत की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की जिम्मेदार है। इन अहम मुल्की तनसीबात की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर आन पड़ी है। मुझे उम्मीद है आप अपनी सलाहियतों को बलूएकार लाते हुए इन जिम्मेदारियों की खुशनसलूबी के साथ इसको अंजाम देते रहेंगे। डीएसजी के जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी तारीख रकम की है। लहरान बेस कराची, मिनहास बेस कामरा, पी एफ बेस समुद्री और पी एफ बेस बड़ागेर जैसे मुख्तलिफ मकामात पर डीएसजी जवानों की बहादुरी और उनकी मकसद से लगन की अहसास है। उम्मीद है कि आप इस रवायत को बरकरार रखेंगे। आज डीएसजी सेंटर जदीद ट्रेनिंग सहूलतों से आराधता है ताकि आपको नए तकाजों से हम आहंग होकर अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से उजागर करने का मौका मिल सके। यहाँ आपको तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में शिरकत का मौका भी फराहम किया गया है ताकि आपकी बेहतर जिस्मानी नशोनुमा और आपस में मुकाबले का जज्बा पैदा हो। यहाँ हासिल शुदा तरबियत आपके पेशावराना अमूर की इंजामदही में बहुत अहम किरदार अदा करेगी, लेकिन असली पेशा एक मुसलसल तरबियत का नाम है। आप अपनी पूरी सर्विस के दौरान सीखते रहिए ताकि आप कामयाब हो सकें और मुल्क का और डीएसजी का नाम रोशन कर सकें। आपको अपने किरदार में मजबूती और शख्सियत में निखार पैदा करना होगा ताकि इम्तिहान की घड़ी में कामयाबी आपका मुकद्दर बने। ट्रेनिंग के इब्तदाई मरहले के बाद अब आपकी पेशावराना जिंदगी का आगाज होगा और मुझे उम्मीद है कि आप ड्यूटी पर तनदेही लगन और जज्बा से अदा करेंगे। इस जज्बा से जो कि हमारे ईमान का खास हिस्सा है और अपने फर्ज की अदायगी और अपनी ज़िंदगी का खुशवार बनाएं ताकि हम सब अपने अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो सके। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकसद में कामयाबी से हमकिनार करे। पाकिस्तान और डीएसजी कोर का झंडा हमेशा बुलंद रहे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खवातीन हज़रात, अब कौमी तराना बजाया जाएगा।